टी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा दोनों अनबीटेन टीम रही है अभी तक इस टूर्नामेंट में लेकिन आज कोई ना कोई तो बीट होने वाला है और आप अपनी फैंटेसी टीम से कैसे अपने ओपोनेंट वालों को बीट कर सकते हो किस तरीके से टीम बनानी है कौन रहेंगे आज के बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल कौन रहेंगे इस पिच पे सबसे स्पेशल पिक यानी ट्रम पिक्स कौन रहेंगे जो हाई सेलेक्टेड तो है लेकिन उस मैच में इसको ड्रॉप कर सकते हो आप क्यों क्योंकि सामने वाले बॉलर्स के अगेंस्ट वो अच्छा नहीं खेलते तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब आपको पता चलेंगी कि ये पिच कैसा बिहेव करता है इस पिच पर कौन से बल्लेबाज चलने के चांसेस रखते हैं तो खुद से अपनी बेहतरीन फैंटेसी टीम बना पाओगे कोई नहीं

खेले गए थे का का फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर और तीन नौ बार एक सौ सत्तर के अब ठीक है टूर्नामेंट में आठ मुकाबले खेले गए एक सौ चौतीस फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर एक सौ सत्ताईस सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर स्पिनर को थर्टी वन को सिक्सटी विकेट मिले तो ये चीज आपको देख के लग रहा होगा एक न्यूट्रल विकेट है नहीं ऐसा नहीं है अगर आप मैच वाइज देखोगे ना ये मैचेस देखो यहाँ पे एक सौ चौसठ एक सौ पचपन यहाँ दो सौ एक सौ इक्यासी अब यहाँ पे एक सौ अट्ठाईस एक सौ पंद्रह दिख रहा है यूएसए की टीम है वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के सामने कमजोर है लेकिन देखो इन्होंने इजी चेस कर लिया एक विकेट खोकर इन्होंने दस विकेट से अगर ये दोनों टीमें पहले बल्लेबाजी करती तो ये स्कोर कुछ और होता जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है तो ऐसा नहीं है कि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत खराब है ये विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है यदि बल्लेबाज संभल के खेले तो एक इजी बन सकता है इसलिए मैंने बोला ये विकेट जो है स्लाइट फेवर फॉर बैटर्स है ये मान के चलना है फिलहाल के लिए आप आफ्टर टॉस अगर पिच से कोई रिलेटेड न्यूज आती है कोई चेंजेस हो जाता है मैं आपको टेलीग्राम पे कन्वे कर दूंगा फ्री में तो टेलीग्राम से जुड़ जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा आप देखो मान लो आफ्टर टॉस कोई चेंज हो भी जाता है पिच में तो आपको पता कैसा रहेगा कौन से प्लेयर को लेना एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट एनालिसिस में यही बताया जाएगा कौन से टाइप के पिच पे कौन से टाइप के प्लेयर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इसको फॉलो किया करो साउथ अफ्रीका की टीम के पास दो लेफ्ट हैंडर है इंडियन टीम के पास लेफ्ट हैंडर्स हैं यहाँ पर एक ऋषभ पंत उसके बाद जडेजा है नीचे अक्षर पटेल है शिवम दुबे हैं ठीक है, है? वहाँ पर ऑफ ब्रेक स्पिनर एदिन मारकम है और ट्रिस्टन स्टब्स है यहाँ पर ऑफ ब्रेक स्पिनर कोई नहीं है वैसे भी वहाँ ज़्यादातर राइट हैंडर्स है तो लेफ्ट आम और थोड़ा जरूरत पड़ेगी साउथ अफ्रीका की टीम की बात करते हैं इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्विंटन डिकोक एदेन मार्कम हेनरी क्लासन डेविड मिलर मार्को एनसन रबाडा नॉर्क और समसी अगर इनकी टीम से समसी को छोड़ दो ना तो किसी का अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है क्विंटन डिकॉक केवल ये दो मैच में अच्छा किया बाकी सब में फ्लॉप रिजाइडिक्स यहाँ फोर्टी नाइन यहाँ ट्वेंटी नाइन और ये भी जब प्रेशर नहीं था दोनों मैच में ये स्ट्रगलिंग था और यहाँ कोई प्रेशर नहीं था तो अच्छा किया अफगानिस्तान के सामने पचास साठ रन चेज करने थे क्या ही करेंगे ठीक है ऐदन मार्कम का ये वाला एक पारी छोड़ दो तो पूरे सीजन ही इन्होंने बल्ले से कुछ खास नहीं किया हैनरी क्लासर ने बीच बीच में एक दो मैच में अच्छा किया है डेविड मिलर ने भी वही बीच बीच में एक दो मैच में अच्छा किया है ट्रिस्टन स्टप्स यहाँ पर तीन मैच में नॉट आउट और यहाँ ट्वेंटी नाइन थोड़ा डिसेंट अच्छा परफॉर्मेंस है मतलब औरों से तो मार्को एंसन भी स्टार्ट में कुछ नहीं कर पाए यहाँ पर इन्होंने अच्छा किया एक विकेट और तीन विकेट लास्ट दो मैच में केशव महाराज ने डिसेंट परफॉर्मेंस किया है रबाटा का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है नॉर्किया का भी ठीक ठाक है तबरे शमशी काफ़ी बेटर है इनके ना बैटर्स फॉर्म में नहीं है ये एक दिक्कत है अब बात करें इनकी टीम से मस्टअप पिक कौन है तो वो एक ही प्लेयर हो सकता है और हालांकि मैं देखो वो नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ क्विंटन डिकॉक लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इनकी टीम में ना कोई भी रिलायबल पिक नहीं है इस समय अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम आगे देखेंगे मैं सबका सिचुएशन समझा दूंगा कौन किस सिचुएशन में ज़्यादा सही है मस्टअर पिक मैं किसी को भी नहीं बोल सकता हूँ ठीक है क्योंकि सबकी क्विंटन डिकॉक को मैं बोलना चाहता था लेकिन उनकी बहुत तगड़ी वीकनेस है आगे बताऊँगा क्यों ठीक है प्लेयर बैटल के समय तो ये चीज़ें हैं अभी मैं मस्टर पिक तो किसी को नहीं बोल सकता लेकिन सबका सिचुएशन आगे समझा दूंगा पावर प्ले के गेंदबाज मार्को एंसन केशव महाराज रबाडा ये इनके जो है पावर प्ले के गेंदबाज डेथ में रबाडा और नार्किया मेनली यही दोनों आते हैं मारक्रम ओवर शेयर करते हैं बच्चे वे इनके जो पांच गेंदबाज ये ठीक ठाक ओवर डालते हैं ये ध्यान रखना है ठीक है तो अगर इनमें से कोई महंगा साबित हो रहा है या इंडियन टीम में जैसे कोई लेफ्ट हैंडर्ड टिका हुआ है और पिच पर थोड़ी स्पिन है थोड़ी बहुत भी तो मारक्रम कुछ ओवर गेंदबाजी डाल सकते हैं इसके अलावा बार्थम इनके बेंच प्लेयर्स ये इनके प्लेयर बाई स्टैट्स हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिल जाएगा देखते हो चलना जो अच्छा स्टैट्स सकते हैं उनको येलो कलर से मैंशन कर दिया है यहाँ पे आप इनका सबका स्टैट्स पढ़ सकते हो जैसे मान लो अगर ये लोग बी फोर्टीन को खिलाते हैं तो बीस इनिंग में अट्ठारह विकेट है, ये इनका रिसेंट फॉर्म बाकी जो प्लेयर्स हैं एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनका प्लेइंग लेवन में आपको दिखा दिया मैंने रिसेंट परफॉर्मेंस और ये इस टूर्नामेंट से पहले तो कन्फ्यूज मत होना इसके अलावा अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री है और बहुत इंपॉर्टेंट है तो फटाफट जाओ और जुड़ जाओ ठीक है इंडियन प्लेइंग इलेवन की बात करते हैं तो इंडिया की जो प्लेइंग इलेवन है उससे पहले यार देखो अगर आपको वीडियो के एफर्ट्स अच्छे लगते हैं ना आपको लगता है वीडियो में कुछ सीखने मिल रहा है तो एक लाइक कर दिया करो क्यों क्योंकि वो लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है ठीक है प्लस काफी लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हैं सेवेंटी परसेंट लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए भाई कभी कभी ना ऐसा होगा कि आप ऐसी एनालिसिस ढूंढते रह जाओगे आपको मिलेगी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत सारे टूर्नामेंट अभी लंका प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है सबकी वीडियोस मिलेगी इसी तरीके से तो सब्सक्राइब करके रखो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है प्लस लाइक कर दिया करो वो मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है वीडियो का कमेंट सेक्शन खुला हुआ है अगर कुछ कमी लग रही है आपको समझ में नहीं आ रहा है अच्छी नहीं लग रही है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है फीडबैक दे सकते हो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव ज़रूर करूँगा लेकिन कर दिया करो लाइक अप्रिसिएशन मिल जाता है इंडियन टीम की बात करते हैं तो रोहित शर्मा विराट कोहली सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांडे जडेजा हर्षदीप कुलदीप और बुमरा ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर्म देखोगे रोहित शर्मा लास्ट दो मैच से अच्छा कर रहे हैं विराट कोहली का फ्लॉप गया ये सीजन ऋषभ पंत ने भी कुछ खास नहीं किया है थर्टी सिक्स फॉर्टी टू और ये थर्टी सिक्स सूर्य कुमार यादव का फॉर्म अच्छा है स्पेशली लास्ट पाँच मैचेस से हार्दिक पांड्या का फॉर्म अच्छा है जडेजा ने कुछ खास नहीं किया दुबे ने एक का दुक्का मैच में हिटिंग करी है अक्षर पटेल का फॉर्म अच्छा है डिसेंट परफॉर्मेंस किया ये वाले मैच में केवल विकेट लिस्ट गए हैं हर्षदीप का, है। का फॉर्म अच्छा है लास्ट मैच में विकेट लिस्ट बाकी हर मैच में विकेट निकाला कुलदीप यादव ने गजब की परफॉर्मेंस की है बुमराह ने भी गजब की परफॉर्मेंस की और यही रीज़न है कि इंडियन टीम इतना आगे निकल के आई है सबको पछाड़ के अगर आप एक चीज़ देखोगे इंडियन टीम से मस्ट मस्थ्य पिक कौन है तो बुमराह कुलदीप यादव हार्दिक पांड्या सूर्य कुमार यादव ये चार मस्ट मस्ह्य पिक हैं बिना सोचे समझे इनको लेके जाओ ठीक है चाहे कोई भी इनिंग हो आगे भी हर एक प्लेयर के बारे में देखेंगे कौन कब कितना अच्छा है समझेंगे सबकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को देखते हुए अभी आगे बढ़ते हैं पावर प्ले के गेंदबाज हर्षदीप बुमरा अक्षर पटेल दत्त में बुमराह अर्षदीप और, और हार्दिक पांड्या है अब इंडियन टीम के लिए ना देखो अर्षदीप बुमरा और, और यहाँ से कुलदीप यादव ये तीन आपको ठीक ठाक ओवर डालते दिखाई देंगे हार्दिक पांड्या अक्षर पटेल जडेजा शेयर करेंगे लेकिन अब जैसे लास्ट मैच स्पिन के लिए काफ़ी अच्छा था जहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट मैच हुआ था तो वो स्पिन के लिए अच्छा विकेट था तो स्पिनर्स को अच्छे ओवर मिले लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो ओवर शेयर किया बट जनरली ये शेयर नहीं करेंगे इस विकेट पर एटलिस्ट नहीं शेयर करना चाहिए जडेजा अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या शेयर करेंगे ठीक है बाकी बेंच प्लेयर्स हैं और इंडियन टीम के भी प्लेयर वाइज स्टैट्स देख सकते हो हर एक प्लेयर का आपको स्टैट्स देखने मिल जाएगा ये ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है ये मैं टूर्नामेंट के शुरू से दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर ये उतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं अगर कोई न्यू प्लेयर खेलेगा तो उसका स्टैट्स देखने आपके काम आएगा बाकी हम आगे हर एक प्लेयर के बारे में डिटेल में तो बात करने ही वाले हैं ओवरऑल हेड टू हेड छब्बीस मुकाबले खेले गए साउथ अफ्रीका ने ग्यारह बार इंडिया ने चौदह बार जीता है ये रैंकिंग है देख लो इंडिया के नंबर वन और साउथ अफ्रीका की पाँच थोड़ा हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड देखते हैं वेन्यू पे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स नहीं खेले हैं ठीक है हेड टू हेड यानी अगेंस्ट इंडिया वो रिकॉर्ड मिलेगा क्लास नाइन ट्वेंटी एट क्विंटन डिकॉक 45, फाइव रीजा हंडिक्स ट्वेंटी फाइव डेविड मिलर फोर्टी थ्री थर्टी थ्री एदेन मार्कम चार मैच में एक विकेट बाकी बारह इनिंग में आठ विकेट है रबाडा क्विटिजी एक इनिंग में तीन विकेट नॉर्किया आठ इनिंग में छः विकेट महाराज दस मैच में दस विकेट और तब्रिज शामसी बारह मैच में सात विकेट तो रबाडा ना ही तब्रिज शामसी जो अच्छी फॉर्म में उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है ना ही नॉर्किया का अगेंस्ट इंडिया केशव महाराज का थोड़ा बेटर रिकॉर्ड है दस मैच में दस विकेट वही अगर हम इंडियन टीम से बात करें तो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका यानी हेड टू हेड तो यहाँ पर ऋषभ पंत का पंद्रह पंद्रह का एवरेज है विराट कोहली थर्टी फाइव रोहित शर्मा ट्वेंटी एट सूर्य कुमार यादव सिक्सटी नाइन थर्टी का एवरेज है जायसवाल का और हार्दिक पांड्या थर्टी थ्री और नौ मैच में छः विकेट है अक्षर पटेल दस मैच में छः कुलदीप यादव दो मैच में छः अर्षदीप पाँच मैच में आठ विकेट है बुमराह का दो मैच में एक विकेट है अब इस वेन्यू पे रोहित शर्मा का छियालीस का एवरेज है बाकी तिरपन एक मैच खेले थे सूर्य कुमार यादव फिफ्टी थ्री किया था थर्टी टू हार्दिक पांड्या के थे एक मैच में तीन विकेट बुमराह के और सूर्य कुमार कुलदीप यादव के एक मैच में दो विकेट और अर्षदीप सिंह के एक मैच में तीन विकेट इस ग्राउंड पे जो ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट खेले थे थोड़ा प्लेयर बैटल देखो तो यहाँ पर देखो मैं क्विंटन डिकॉक को क्यों मस्ट पिक नहीं बोल रहा था अर्षदीप की बत्तीस गेंदों में तीन बार आउट हुए कुलदीप यादव की चौदह गेंदों में दो बार अक्षर पटेल की इकहत्तर गेंदों में दो बार चलो अक्षर पटेल को रंस किए लेकिन इन दोनों का किया ऑलमोस्ट पचास गेंदे भी नहीं खेले और पांच बार विकेट दे दिया तो यह दिक्कत है कुलदीप यादव और अर्षदीप के सामने क्विंटन डिकॉक का रिजा इंडिक्स अर्षदीप के सामने सात गेंदों में तीन बार ऐदिन मारक्रम जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और स्पिन को अच्छा खेल ही नहीं पाते अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स छह गेंदों में दो बार कुलदीप यादव बाईस गेंदों में चार बार बुमराह भी दस गेंदों में दो बार तो ये दिक्कत है थोड़ा सा मारक्रम को अर्षदीप को अच्छा खेला इन्होंने उनचास गेंदों में बासठ रन किया है हैनरी क्लासन कुलदीप यादव के अट्ठारह गेंदों में दो बार लेकिन इकतीस रन भी बनाए बाकी सबको ठीक खेला है मिलर की बात करें हार्दिक की चौंतीस गेंदों में चार बार आउट हुए जडेजा की तिरासी गेंदों में दो बार इन्होंने भी सबको ठीक खेला है लेकिन ना बस हार्दिक पांडे के सामने चौंतीस गेंदों में चार बार आउट हुआ तो क्लास सबका ध्यान रहेगा डीकॉक और मारक्रम पे लेकिन क्लासन और डेविड मिलर अच्छा कर सकते हैं क्यों रीज़न आपके सामने है बस मिलर को हार्दिक पांडे से बचना है अब बात करते हैं इंडियन टीम के प्लेयर्स की तो रोहित शर्मा चार बार आउट हुए रबाडा के सामने लेकिन छिहत्तर में नब्बे किया नौरिया के चौंतीस गेंदों में साठ किया दो बार आउट हुए रन्स किए हैं लेकिन आउट भी हुए हैं विराट कोहली रबाडा के 48 गेंदों में चार बार नार्किया की 23 गेंदों 33 गेंदों में दो बार महाराज की नाइन एटी नाइन गेंदों में दो बार लेकिन ये ओडीआई की बात है बावन रन किए तो रंस भी किए हैं इन्होंने ऋषभ पंत महाराज की आठ गेंदों में दो बार अब महाराज का यहाँ पे देखना रिकॉर्ड अच्छा है यहाँ पर भी ठीक है और यहाँ पर आओ तो सूर्य कुमार यादव को रबाडा ने अड़सठ गेंदों में तीन बार आउट तो किया लेकिन एक रन भी बनाए तैतीस गेंदों में नार्किया ने दो बार आउट किया लेकिन उनचास रन बनाए हैं हार्दिक पांड्या रबाडा ने इक्यावन उन... गेंदों में दो बार आउट किया है नॉर्किया ने उनचास गेंदों में दो बार शिवम दुबे को रबाडा ने सत्ताईस गेंदों में दो बार जडेजा को रबाडा ने इक्कीस गेंदों में दो बार रबाडा रनस तो पीटे हैं लेकिन इन्होंने ना विकेट भी निकाला है तो रबाडा थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि विकेट्स निकाले हैं ठीक है ये ध्यान रखना तो यह हो गई कुछ प्लेयर बैटल और अब हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ कीपिंग से तीन ऑप्शन है क्विंटन डिकॉक क्लासन और ऋषभ पंत क्लासन का अगेंस्ट इंडियन बॉलर सबसे अच्छे नंबर हैं उसके बाद मिलर ठीक है क्विंटन डिकॉक और एदिन मारक्रम को सब लेके आएंगे बट इनको शायद ही कोई ले मेरी टीम में है ये फिलहाल के लिए ठीक है क्विंटन डिकॉक अर्शदीप एंड कुलदीप यादव के सामने भयंकर स्ट्रगल करते हैं मैंने इसलिए छोड़ छोड़ा नहीं है मतलब मैं अभी ले अभी के लिए ले लेके जाऊंगा इनको क्योंकि कीपिंग बैकअप रहेगा और बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट है ओपन करते हैं बस इसलिए लेकिन आफ्टर टॉस मैं इनको छोड़ भी सकता हूं ठीक है इसलिए मैंने अभी के लिए सेलेक्ट नहीं किया अभी मेरी टीम में है ये ऋषभ पंत एक डिसेंट ऑप्शन रहेंगे फॉर्म अच्छा नहीं है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका पंद्रह का एवरेज है लेकिन कीपिंग बैकअप रहेगा एक दो कैचिंग स्टम्पिंग कर लिया और मान लो कि वहाँ पर इनको पंद्रह बीस रन बनाने का मौका मिल गया तो आराम से तीस चालीस पॉइंट देकर चले जाएंगे तो डिसेंट पॉइंट दे के जा सकते हैं ले सकते हो मेरी टीम में जगह नहीं बन पाई है रोहित शर्मा भी मस्ट मस्टअप पिक मैं नहीं बोलूंगा लेकिन चूंकि यह फॉर्म अच्छा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इस वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है और लेके जा सकते हो बस थोड़ा रबाडा के अगेंस्ट इनको बचना पड़ेगा सेम विराट कोहली को भी रबाडा के अगेंस्ट थोड़ा बचना पड़ेगा लेकिन ना विराट कोहली जो है केशव महाराज से भी थोड़ा बचना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट लेफ्टार्म स्पिनर के सामने भी इनका थोड़ा दिक्कत रहता है और फॉर्म भी अच्छा नहीं है तो ये चीज़ें देख के आप इनको छोड़ सकते हो इनके जगह पे आप लोग ना ऋषभ पंत को लेके जा सकते हो जो ज़्यादा सेफ़ है अब मैं विराट कोहली को मान लो अगर मैं ले रहा हूँ वो फ्लॉप हो गए तो मैं रिस्क झेल सकता हूँ लॉस झेल सकता हूँ लेकिन अगर आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप सीधे सीधे सेफ जाओ विराट कोहली के प्लेस पे ऋषभ पंत को लेकर ठीक है मैंने अभी के लिए विराट कोहली पर रिस्क लिया है रीजन मैं आपको बता दूँ बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी प्रेशर में अच्छा खेलते हैं इसलिए सूर्य कुमार यादव मस्ट पिक फॉर्म भी अच्छा है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका रिकॉर्ड भी अच्छा है उनके बॉलर्स को भी अच्छा खेला ठीक है रोहित शर्मा के ऊपर अगर आप मिनी जेल में रिस्क ले सको ना ड्रॉप करके तो ले सकते हो पावर प्ले में मार्को एंसर ने लेफ्ट आर्म पेसर प्लस रबाडा के अगेंस्ट भी थोड़ा विकेट फेंका हुआ है तो आप चाहो तो छोड़ सकते हो मेरी टीम में अभी जगह बन चुकी है तो मैंने ले लिया ठीक है क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि फॉर्म अच्छा है उनका हालांकि थोड़े से इनकन्सिस्टेंट रहते हैं डेविड मिलर हेनरी क्लासन के बाद सबसे अच्छे नंबर्स फॉर साउथ अफ्रीका अगेंस्ट इंडिया इनका ही है तो लेके जा सकते हो बट मेरी थोड़ा बल्लेबाजी पोजीशन देखते हुए ना मैंने इनको छोड़ दिया लेकिन अगर इनकी टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करेगी तो बल्लेबाजी अन्यता है फिर मैं क्विंटन डिको को जो मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने लिया हुआ है मैं उनको छोड़ के इनको लेके जा सकता हूँ ट्रिस्टन स्टेप्स के ऊपर रिस्क लो लास्ट तीन मैच में ना चार मैच में तीन मैच में नॉट आउट और एक मैच में ट्वेंटी नहीं उससे पहले आईपीएल में भी अच्छा फॉर्म था बैटिंग विकेट पे अच्छा कर सकते हैं बस बैटिंग में डिमोशन हो जाता है कभी के? कभी कभी ना तो स्मॉल लीग के लिए थोड़े रिस्की पिक लेकिन ग्रैंड लीग में मिनी जेल में इनके ऊपर जरूर रिस्क लेना रिजा इंडिक्स जो परफॉर्मेंस आया चालीस और बीस रन करना वो भी कमजोर टीम के अगेंस्ट और उसमें उतना प्रेशर नहीं था रन से बनाने का बाकी हर मैच में फ्लॉप हुए तो मैं ज्यादा इनसे उम्मीद कर नहीं रहा दुबे काफी नीचे लास्ट मैच में तो जडेजा और अक्षर पटेल के नीचे है एक चीज मैं आपको बता दूँ ये मैच ना कोशिश करो फ़न परपज़ के लिए खेलो यार फाइनल खेल रही टीम इंडिया 2007 के बाद अब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आएगा तो कितना अच्छा रहेगा तो सपोर्ट करो फेंटसी आगे भी हम खेल लिया करेंगे इस मैच में ज़्यादा इमोशंस जुड़ा हुआ है तो मैं ऐसा भी हो सकता है मैं टीम जो है इंडियन फेवर के उसमें बना दूँ और हो सकता है लॉस हो जाए तो कोशिश करो कि आप लोग फन परपज़ के लिए खेलो बट ये मत सोचना कि मैं लॉस होने के लिए टीम दे रहा हूँ मैं बस अपना बेस्ट दे रहा हूँ जो हो सके ठीक है लाइक कर देना लाइक नहीं करते हो काफ़ी लोग लाइक कर दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरी मेहनत लगेगी कि हाँ मैंने जो मेहनत करी वो आपको पसंद आई नहीं पसंद आ रही तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है फीडबैक दे सकते हो अक्षर पटेल मारक्रम में इनके सामने स्ट्रगल करते हैं तो मैंने लिया हुआ है प्लस इनके पास फॉर्म भी है हार्दिक पांड्या बैटिंग बॉलिंग दोनों रहेगा मस्ट है कैप्टनसी मटेरियल एदन मारक्रम थोड़ा लेफ्ट टार्म ऑर्थोडॉक्स प्लस कुलदीप यादव के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं मैंने छोड़ दिया है बॉलिंग से मैं ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहा हूँ हाँ अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो हो सकता है इंडियन टीम में थोड़े लेफ्ट हैंडर है तो उनके सामने बॉलिंग कर जाए बट फाइनल मैच में ज़्यादा एक्सपेक्ट इनसे कर नहीं रहा हूँ शायद ही अपने आपको बॉलिंग ही ना दे पार्ट टाइम समझ के मार्को एनसन को ले तो लिया है मैंने बट मैं आफ्टर टॉस छोड़ भी सकता हूँ मैंने क्यों ले लिया क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों रहेगा और मार्को एनसन लेफ्ट पेसर भी है कभी कभार डेथ में आ जाते हैं इनिशियल स्विंग रहता है तो थोड़ा सा घातक साबित हो सकते हैं जड़ेजा उतने अच्छे पिक नहीं उतना अच्छा मौका मिल मिलनेगा बुमरा तो और कुलदीप यादव चाहे कोई भी नहीं हो मस्ट मस्टअप पिक विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है डोमिनेटिंग साइड पर भी, भी रहेंगे रबाडा को मैंने ले लिया अगर इनकी टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करे तो मैं इनको छोड़ कर इनके जगह में मारक्रम को लेके जाऊंगा ठीक है ये ध्यान रखना नॉर्किया के ऊपर रिस्क ले सकते हो फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी में अगर आपको क्विंटन डिकॉकॉ को नहीं लेना है तो जो मेरा इलेवन प्लेयर छूटा हुआ है वो क्विंटन डिकॉक है ठीक है तो आप उनके जगह पर नॉर्किया को फर्स्ट इनिंग में लेके जा सकते हो और सिद्धिप अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें तो पावर प्ले में अगर स्विंगिंग कंडीशन रहा तो क्विंटन डिकॉक हो गए रीजा हैंड्रिक्स हो गए इवन दो एधेन मार्कम को भी एक बार आउट किया हुआ तो आप इनको कंसिडर तब कर सकते हो ठीक है केशव महाराज ये आपके लिए डिसिन पिक रहेंगे क्योंकि सब रबाडा समी और नॉर्किया के पीछे भागेंगे जबकि इनका रिकॉर्ड उन तीनों से बेहतर है अगेंस्ट इंडिया ठीक है ऋषभ पंत हो गए विराट कोहली रोहित शर्मा तीनों को आउट किया हुआ है केशव महाराज ने तो रिस्क ले लेना स्पेशली इन सेकेंड इनिंग तबरे शामसी इंडिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है लेकिन फॉर्म अच्छा है अगर थोड़ी सी भी स्पिनिंग कंडीशन रही तो कंसिडर कर सकते हो अदरवाइज डिसेंट पिक ठीक है नीचे और कोई इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं तो अब हम चलते हैं टीम प्रीव्यू की तरफ और ये वो कुछ इस प्रकार से है कप्तानी हार्दिक को वाइस कप्तानी सूर्य कुमार यादव अगर इंडियन टीम फर्स्ट बल्लेबाजी करेगी तो यही दोनों को मैं कप्तान वाइस कप्तान रखूंगा अदरवाइज आप रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक को भी दे सकते हो ये आपकी चॉइस है ठीक है इनके पास विकेट कीपिंग भी रहेगा थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड गड़बड़ है क्विंटन डिको का हालांकि इंडिया के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है लेकिन अर्षदीप कुलदीप के सामने तो मैंने नहीं किया बाकी देखो अगर यहाँ पर मैंने आपको बताया इधिर मारक नाम आपके लिए कब आप इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एंडिक नोकिया को कब लेके जा सकते हो हर्षदीप सिंह को कब लेके जा सकते हो ठीक है यहाँ पर आप विराट कोहली को छोड़कर ऋषभ पंत को कब लेके जा सकते हो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए डेविड मिलर के बारे में बताया क्या उनकी स्ट्रेंथ है कब किस सिचुएशन में उनको लेके जा सकते हो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आफ्टर टॉस कौन पहले बॉलिंग कर रहा है बाद में बॉलिंग कर रहा है क्या प्लिंग एलेवन है किस टाइप की पिच है तो ये जो सारी अपडेटेड टेलीग्राम पे देते हैं फ्री में तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिलेगा जाओ टेलीग्राम से जुड़ जाओ वहाँ पर ये सारी अपडेट आपको मिल जाएगी वीडियो में आपको पॉइंट समझाए गए दोनों को मिक्स करो खुद से अपनी टीम बना पाओगे किसी की टीम कॉपी नहीं करनी पड़ेगी और ये एस टीम अप टू पच्चीस मेंबर है अब जैसे ग्रैंड लिख की टीम की बात करते हैं तो ग्रैंड लिक टीम ये जस्ट आपको समझाने के लिए ठीक है इसमें लक की फैक्टर बहुत जरूरी रहती है तो अगर आपके पास लक है तो आप अच्छा कर सकते हो अब इसमें मैंने क्या किया जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना विराट कोहली मारक्रम क्लासन और यानसन इन चारों के बाद इन चारों पे कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करो इन आठों पे प्लस ये अर्षदीप सिंह एनिकॉ क्या है क्लासन डेविड मिलर टी स्ट्स तबरी समी यहाँ पर आप केशव महाराज को भी ऐड कर लो ठीक है मतलब इनके जगह पर तो आप इन प्लेयर्स को ना इन एज प्लेयर रोटेट करो और उनपे कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेट करो जैसे मैंने यहाँ पे किया है तो आप इस तरीके से ना ग्रैंड लीग की टीम्स बना पाओगे थोड़ा सा भी लक ने अगर आपका साथ दिया तो आप अच्छा कर पाओगे ग्रैंड लीग की टीम बनाने के लिए मैच को रीड करना पड़ता है टीम स्ट्रेंथ पिच रिपोर्ट देखते हुए वो सब आपको वीडियो में बताया जैसे मान लो मैंने इस टीम में क्या देखा है कि इंडियन टीम के लिए विराट कोहली रनस बनाएंगे ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव तो रोहित शर्मा का जल्दी विकेट जाएगा मार्को एंसन लेफ्ट प्रेसर लेके जाएंगे पावर प्ले में इसलिए इनको कैप्टन किया प्लस जब इनकी टीम चेस करने आएगी तो यहाँ पर ये थोड़े रन्स भी बनाएंगे डेविड मिलर और हंडी क्लास इन रन्स बनाएंगे अर्षदीप सिंह इनका पावर प्ले में विकेट लेके जाएंगे इसलिए हर्षदीप को लिया हुआ है यहाँ पे ओवर्स में थोड़े रन्स बनेंगे लेकिन बाद में कुलदीप यादव और बुमरा जो है इनको आउट करेंगे और फिर मार्को एंसन थोड़े रन्स बनेंगे लेकिन इंडियन टीम एट दी एंड मैच जीत जाएगी तो इस तरीके से आपको मैच रीड करना है और उस वे में कॉम्बिनेशन बनाना है जिसकी जरूरत पड़ी उसको रोटेट कर तो इस तरीके से आप रोटेशन करके अलग अलग टीम कॉम्बिनेशन बना सकते हो थोड़ा सा लकने साथ दिया आप अच्छा खासा पैसा विन कर सकते हो बाकी ये स्मॉल लीग की टीम अप टू 25 मेंबर इसमें कुछ भी चेंज होगा टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करेंगे बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक है फटाफट जाओ जुड़ जाओ मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय